evaluate limit x tends to pi by 4 root under 1 minus root under sin 2x by pi minus 4x. ठीक है, ये लिमिट x tends to pi by 4 है. तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं LHL, फिर फाइंड करेंगे RHL. ठीक है, तो LHL देखो, LHL फाइंड करने के लिए लिमिट हम लोग h tends to 0 लिखते हैं, और जहाँ जहाँ x है वहाँ pi by 4 माइनस h लिख देंगे. LHL है ना, तो pi by 4 माइनस h लिखेंगे, और RHL में pi by 4 प्लस h लिखा जाता है. तो ये होगा रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर और साइन 2 और x के प्लेस पर pi by 4 माइनस h लिखेंगे, और डिवाइड में हो जाएगा pi माइनस 4 ऑफ pi by 4 माइनस h, इतना होगा. ठीक है, इसके बाद देखो लिमिट h टेंस टू 0 है, और रूट अंडर 1 माइनस, ये देखो साइन 2 इंटू पाई 4 है ना, इंटू करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2h होगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस 2h को लिखते हैं कॉस 2h. ठीक है ये, और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में 4 से इंटू करें तो पाई माइनस पाई प्लस 4h, तो प्लस 4h होगा, पाई कट जाएगा. ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2h से इंटू करते हैं, और यहाँ रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2h से इंटू करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट साइन से इंटू डिवाइड किए. इसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0 रहने देंगे. ऊपर में कितना होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन ये रूट अंडर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2h होगा ना, और डिवाइड में होगा 4h है ही, और रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2h होगा. अब देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2h है ना, ये होता है, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2h को लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर h, तो रूट अंडर है ना, तो रूट 2 साइन h हो जाएगा, और डिवाइड में है 4h, तो 4h दे दिए, और ये होगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2h. अब देखो साइन h बाई h तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर h का वैल्यू 0 रख देते हैं तो cos 2h, cos 0 1 हो गया तो रूट 2 हो गया, तो देखो क्या क्या हो जाएगा, रूट 2 बाई 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई रूट 2, इतना होगा, ये रूट 2 और रूट 2 कट जाएगा, तो वैल्यू आ गया 1 बाई 4, तो LHL का वैल्यू मिल गया 1 बाई 4. इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे RHL. तो RHL के लिए लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं, और जहां जहां x है वहां हम लोग पाई बाई 4 प्लस पाई फोर प्लस एच लिख देंगे, तो 1 माइनस रूट अंडर पाई बाई 4 प्लस एच लिखेंगे ना, तो 2 और पाई बाई 4 प्लस एच लिखते हैं. देख लो 1 रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर साइन 2 एच था ना, एक्स के प्लेस पर पाई बाई 4 प्लस एच लिख दिए, और डिवाइड में हो जाएगा पाई माइनस 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस एच. ठीक है, ओके, ऊपर में देखो लिमिट एच टेंस टू 0 रख देते हैं, और रूट अंडर ये होगा 1 माइनस रूट अंडर और साइन पाई बाई 2 प्लस 2h होगा, और साइन पाई बाई 2 प्लस 2h कितना होता है, ये होता है कॉस 2h. ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और ये हो जाएगा माइनस 4h, इतना हो गया. अब इसको हम इंटू करेंगे 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2h, बाई में भी रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2h, और लिमिट h टेंस टू 0, और ऊपर में कितना होगा, ऊपर में होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2h, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में है माइनस 4h और रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2h. ठीक है, देखो ऊपर में 1 माइनस कॉस 2h है, तो लिमिट अभी रहने देते हैं h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h, तो रूट के बाहर कितना आएगा, रूट 2 इंटू साइन h, और डिवाइड में माइनस 4 इंटू h इंटू 1 बाई रूट अंडर, अच्छा यहाँ पर रूट ना लगेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2h. अब h का वैल्यू 0 रखते हैं, तो रूट ये साइन h बाई h 1 हो जाएगा, तो रूट 2 बाई माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई रूट 2. ठीक है, ये रूट 2 रूट कटेगा, माइनस 1 बाई 4 आ गया. देखो LHL आ गया तो 1 बाई 4, RHL आ गया माइनस 1 बाई 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं ना है, तो देखो हम लोग अब लिखेंगे कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, हैंस दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा. ओके okay?